काल मेघ ई औषधीय पौधा है। इकर माटी और जलवायु कैसन रहक चाहिए से के जानब। सम शीतोष्ण औसत एक बरिस में बरसात 75 से 90 सेंटीमीटर होक चाहिए। ई पौधा लगिन बढ़िया से पानी निस्केक वाला दोमट कछारी और मटियारी यह की करिया माटी कर बढ़िया से पानी निस्केक वाला दोमट कछारी और मटियारी करिया माटी कर पीएच मान जिकर सामान्य हो उसने माटी में इके लगाक चाहिए। इकर उन्नत प्रभेद है ए के एक सिम मेघा जे के एक बिहीन कर दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। लगाक कर दूरी दर से दर कर मध्य कर दूरी 30 सेंटीमीटर पौधा से पौधा कर दूरी 25 सेंटीमीटर रहे बेस रहेल। इकर माइंद और उर्वरक पटाल फसल मन में 20 अनुपात 30 अनुपात 50 किलोग्राम नेत्रजन स्फोर और पोटास प्रति हेक्टर में बुनेक बेरा देख चाहिए। इकर बादे 15 किलोग्राम नेत्रजन के पहिल धाव पटाल बेरा दे देख चाहिए। जैसन जरूरत पड़े उसने पटाते जाओ। फसल जखन 4 से 5 महीना में तैयार हो जाए तखने ओके काट के और छाई में सुखाए देख जाए। इकर सब भाग दवाई मन ले प्रयोग करल जाए जैसे कि इकर डायर पतई मन फर फूल और बीजा। उपयोग कौन बीमारी में करल जाए तो यकृत वृद्धि रक्त विकार मलेरिया कर बुखार और चमड़ा से जुड़ल रोग मन में इकर दवाई करल जाए। आप देखो इसब गोल कर खेती रोरे कैसे करब कैसन माटी है उके जानू। ठंडा और शुष्क जलवायु ई पौधा लगिन बेसा है। रात कर तापमान कम होएक से इकर बाढ़ेक बेस होएल। बढ़िया से पानी निस्कैया हलुक दोमट माटी रहक चाहिए और इकर पीएच मान 7.2 से 8.5 रहले बेस रही। इकर उन्नत प्रभेदा है JI4 और निहारिका। बिहीन दर 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टर। दर से दर कर दूरी 22.5 सेंटीमीटर यदि रहे तो बढ़िया रही। माइंद और उर्वरक लगिन 20 टन गोबर कर सड़ल माइंद के खेत तैयार करेक बेरा देख चाहिए और बुनेक बेरा 25 किलोग्राम नेत्रजन 50 किलोग्राम स्फुर बेस उपज लगिन 25 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टर पहिल सिंचाई बेरा दे देख चाहिए। पटाक लगिन अकुवाक कर 30 दिनक बादे हलुक पानी पटाय देख चाहिए। बाइल निस्केक कर बेरा पटाले बेस रहेल। फसिल कर पतई मन जखन पियर पड़ जाए और बाइल कर रंग जखन मटमैला हो जाए तखन ई फसिल के काट देख चाहिए। इकर उपज 825 क्विंटल सुखल साग प्रति हेक्टर 4.5 क्विंटल बिहीन प्रति हेक्टर भूसी 5 क्विंटल प्रति हेक्टर और बीजा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर में इकर उपज भेटायल। इकर उपयोग आंत से जुड़ल जितना बीमारी में ना है और कब्ज अतिसार दमा आदि रोग मन में इकर प्रयोग करल जा सकेल। और एगो गोइठ कि बवासीर में इकर दवाई बेस फायदा देल। तो देखो भाई इतना बीमारी मन में इकर प्रयोग करल जाए तो इकरो खेती करूँ और स्वस्थ रहूँ।